आप सभी सनातन जन को जय माता दी। आप सभी सनातन जन को नव दुर्गा की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब की बार नवरात्रि में 9 दिन तक आप सभी मेरे साथ में पूजा करेंगे नव दुर्गा की, जिससे आपको नव दुर्गा की पूजा का संपूर्ण फल और संपूर्ण श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाएगा। बहुत ही सरल विधि से पूजा करेंगे हम सब, और एक दिन पहले ही आपको वीडियो मिल जाया करेगी, जिससे आप रोज की पूजा की सामग्री एकत्रित कर सकें। अब देर ना करते हुए सीधे चलते हैं पूजा की। और पहले दिन की पूजा है कलश पूजन, कलश स्थापना और माँ शैल पुत्री की पूजा। अब जो पहले दिन की पूजा की सामग्री है वह मैं लिख दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे एकत्रित कर लीजिए। अब चलते हैं कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त क्या है। 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:15 से सुबह 7:45 तक पहला मुहूर्त है, और जो दूसरा मुहूर्त है वह दोपहर 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। अब सीधे चलते हैं कलश स्थापन कैसे करना है। मिट्टी लेनी है, बालू लेनी है या रेता लेना है, जो अवेलेबल हो आपके पास में, सब मैया का प्रसाद है। अब उसमें जौ हमको मिक्स करने हैं। कई लोगों को शिकायत रहती है कि हमारे जौ सही ढंग से नहीं उग पाते हैं, तो इसके लिए आपको एक दिन पहले ही ये जौ हैं जो भिगो के रख देना, वह सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से उगेंगे। जौ को मिक्स करना है और मिट्टी को एकत्रित करना है गोलाकार में, और उसके ऊपर कलश स्थापित करना है, यानी खाली कलश रखना है मिट्टी का। अब उस कलश पे मूली बांधनी है, गले पे जो कलश का गला होता है उस पे मूली कलावा बांधना है। इसके बाद में कलश में गंगा जल डालना है। गंगा जल डालने के बाद में कलश में 11 पत्ते आम के स्थापित करने हैं, मुंह पे स्थापित करने हैं। अब नारियल में चुन्नी बांधनी है और नारियल को भी कलश के मुख पे स्थापित कर देना है। इसके बाद में मैया को आसन देना है। घर में चौकी हो तो ठीक और पटला हो तो ठीक, और ये भी नहीं है तो 5-6 ईंटें लेना और उस पे सुंदर आसन बिछाना, यानी लाल रंग का सूती वस्त्र बिछाना है। और मैया की प्रतिमा हो तो ठीक और फोटो हो तो भी ठीक है, वह स्थापित करनी है। मैया को चुंदरी उड़ानी है। इसके बाद में सरल विधि पूजा की हमारी शुरू होती है। आसन पर बैठ करके अपने ऊपर जल छिड़कना है और अपने आप को पवित्र करना है। मैया शैल पुत्री से प्रार्थना करनी है, हे माता, हमारा चित्त अपवित्र है, हमारी बुद्धि अपवित्र है, हमारा मन अपवित्र है, हे माता आप कृपा कर दो, आप इसे पवित्र कर दो, हमारे चित्त पे, हमारी बुद्धि पे, हमारे मन पे आकर के माता विराजमान हो जाओ। इसके बाद में मैया को स्नान करवाना है, यानी कि जल छिड़कना है, और जो कलश के नीचे हमने जौ बोए हैं वहाँ पर भी हमको स्नान, यानी कि उनको भी जल देना है। इसके बाद में कोई कपड़ा हो या फिर रुई हो उससे मैया की प्रतिमा को, मैया के चित्रपट को पोंछना है, साफ करना है। अब इसके बाद में मैया को वस्त्र अर्पित करने हैं। कलावा जो मूली है उसको ऐसे गोल करके तोड़ना और मैया के आगे समर्पित कर देना, और इसी प्रकार कलश पे भी चढ़ा देना वह मूली। अब इसके बाद में मैया को विशेष प्रिय तिलक है लाल चंदन का, तो इस उंगली से लाल चंदन का तिलक मैया के लगाना है, और वो ही तिलक कलश पे सातिया बना देना है उसी तिलक से। इसके बाद में चावल लेने, अक्षत लेने हैं और मैया को समर्पित करने हैं और कलश पे छोड़ देने हैं। अब इसके बाद में मैया को विशेष प्रिय पुष्प है मोगरा, तो मोगरे के फूल की माला लेनी है और मैया को अर्पित कर देनी है और कलश पे भी अर्पित कर देनी है। अब इसके बाद में दीपक जलाना है, दीपम दर्शयामी, मैया को दीपक दिखाना है, दर्श कराना है। इसके बाद में दीपक को साइड में रखना है, हाथ में हल्का सा जल लेना है और पृथ्वी पर छोड़ देना है, यानी हाथ धो लेने हैं। अब मैया को जो विशेष प्रिय प्रसाद है, मैया का जो विशेष प्रिय भोग है वह है पैठा और पंचामृत, यह मैया को अर्पित करने हैं। फिर हाथ में हल्का सा जल लेना है और पृथ्वी पर छोड़ देना है। अब इसके बाद में मैया के आगे संकल्प करना है हाथ में जल लेकर के। देखो ध्यान रखना,
बिना संकल्प के किसी भी पूजा का फल नहीं मिलता है। अब आप कहोगे हम कैसे संकल्प करें, ये संस्कृत में होता है, मैंने क्या कहा, ये बिल्कुल सरल विधि है पूजा की। हाथ में जल लेना है और कहना है, हे मैया मैं दिल्ली में रहती हूँ या बंबई में रहती हूँ या कलकत्ता में रहती हूँ, चाहे कहीं भी कोई भी आपका ग्राम हो, मथुरा वृंदावन हो, उसका नाम लेना है और कहना है, मैया ये मेरी कॉलोनी है और ये मेरे मकान का नंबर है, हे माता मेरा नाम ये है और मेरा गोत्र ये है। आजकल परेशानी ये गोत्र भी कईयों को नहीं पता, तो सीधी सी बात है, सीधा कहना ब्रह्माहम गोत्रा उत्पन्ने, मैं ब्रह्म गोत्र से हूँ, यानी हम सब ब्रह्मा जी की संतान है। इसके बाद में अपने परिवार जन का नाम लेना है और मैया से कहना है, हे माता रानी, हे माँ शैलपुत्री, मैं 9 दिन का व्रत कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ और 9 दिन का दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हूँ अथवा कर रहा हूँ। मैया मेरे समस्त परिवार के ऊपर, समस्त संसार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना माता, ऐसा कह करके वह जल मैया के चरणों में अर्पित कर देना है। इसके बाद में मैया को विशेष प्रिय पाठ है सप्त श्लोकी दुर्गा और अर्गला कवच, यह 3 पाठ हैं, यह या तो पढ़ने हैं, और पढ़ना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे क्लिक करना, सीधा पाठ पे पहुंच जाना, सुनने मात्र से भी उतना ही फल मिलता है। और इन पाठों को सुनने के बाद में यदि हो सके तो दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय सुनने हैं, और वो भी ना हो सके तो 1 अध्याय, प्रथमो अध्याय ये सुनना है। अब इसके बाद में जल लेना है, पृथ्वी पर छोड़ना है और उस जल को अपनी आंख से लगा लेना है, अपने माथे से लगा लेना है और कान से लगा लेना है और मैया को प्रणाम करना है। अब इसके बाद में आरती करनी है, या तो अम्बे तू है जगदम्बे काली या जय अम्बे गौरी। आरती के बाद में जल लेना है और आरती से ऐसे घुमा करके सबके ऊपर छिड़कना है, अपने ऊपर छिड़कना है और फिर 3 बारी बोलना है, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इसके बाद में मोगरे के फूल लेने हैं हाथ में और मैया से क्षमा याचना करनी है, हे शैलपुत्री माता हमें कुछ भी नहीं आता है, मैया हम तो मंद बुद्धि हैं, हे माता ना हमारा चित्त ठीक, ना बुद्धि ठीक, ना व्यवहार ठीक, मैया आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है, जो भी त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करना मैया और इस पूजा को स्वीकार करना और समस्त संसार मेरे परिवार के ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रखना मैया, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है, ऐसा कह करके वह पुष्प मैया के चरणों में अर्पित कर देने हैं। अब इसके बाद में क्या करना है, जो सब करते हैं, जयकारा लगाना है, बोलो शैलपुत्री मैया की जय। आज की पूजा का यहीं पर विराम होता है और कल की पूजा की आपकी वीडियो मिल जाएगी बहुत जल्दी, उसकी सामग्री थोड़ी सी, आज की थोड़ी ज्यादा सामग्री है लेकिन कल की थोड़ी सी है। आप सभी को जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी।